किसानों को मिली सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने 35 फसलों के खास किस्में लॉन्च की इन पर जलवायु परिवर्तन और कुपोषण का असर कम होगा कोरोना वायरस इंडिया अपडेट देश में कोरोना से बड़ी राहत 201 दिन बाद 20,000 हजार से नीचे पहुंचे नए मामले एक महीने पांचवी बार एक करोड़ से ज़्यादा डोज कल फिर लगे एक करोड़ से ज़्यादा टीके देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अस्सी करोड़ के पार उपचुनाव का स्केड्यूल जारी एमपी राजस्थान समेत चौदह राज्यों की तीस विधानसभा सीटों पर तीस अक्टूबर को उपचुनाव तीन लोकसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन चंडीगढ़ में देर रात खूनी झड़प तीन दोस्तों पर आधा दर्जन युवकों ने किया चाकुओं से हमला लोगों ने गंभीर हालत में पीजीआई पहुंचाया पुरानी रंजिश में की गई वारदात भारत बंद के समर्थन में पीओ के छात्रों ने की नारेबाजी दुकानें करवाई बंद पुलिस से झड़प विश्व रेबीज दिवस चंडीगढ़ में दो साल में हर माह बड़े 600 केस रोजाना नब्बे लोग बन रहे कुत्तों का शिकार पंजाब कांग्रेस के राम में बिछेंगे सियासी कांटे कैप्टन बीजेपी में गए तो कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती चुनाव से पहले आपसी झगड़े में पार्टी की छवि को पहले ही नुकसान हो चुका सिद्धू का इस्तीफा नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की प्रधानगी छोड़ी बोले पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता पडोदी में मस्जिद के अंदर बच्ची से अश्लील हरकत मौलवी को खाना देने गई थी नौ साल की मासूम गुस्साई भीड़ ने आरोपी को जमकर पीटा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है केलांग गमिंगनगर ग्लेशियर में फंसे चौदह पर्वतारोही बेस कैंप के लिए रवाना शवों को लाने के लिए 32 सदस्यों का दल भेजा उपचुनाव हिमाचल के आठ जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर रोक